नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में मुख्य रूप से जो आपके नेट और सेट में जो ज्योग्राफी विषय है उसमें जो सेकंड यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम एक विस्तार से उसका अध्ययन करें उस यूनिट का, उसमें जो क्वेश्चंस हैं मुख्य रूप से जो 2014 जो दोनों पेपर होते हैं उनमें जो आए हुए हैं आपके 2012 और 13 के, ये जो क्वेश्चंस बनते हैं और जो आए हुए हैं उस पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी जो सेकंड यूनिट है उसको लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से आज हम बात कर लेते हैं कि जो आपके यूनिट सेकंड है क्लाइमेटोलॉजी विषय आपका जो ज्योग्राफी है, उसमें जो 2014 में, ये 2014 में आए हुए क्वेश्चन है, दिसंबर 2014, 2014 दिसंबर, और पेपर है ये सेकंड, क्योंकि पेपर थर्ड और सेकंड में जो पर्सन ज्योग्राफी के हैं उनको हम लेकर के पहले बात करने वाले हैं। तो ये सेकंड पेपर में आए हैं आपके क्वेश्चन हैं, सेकंड यूनिट से संबंधित हैं। पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है उसमें ग्रीष्म काल में सूखे के लिए जिम्मेदार पवन से संबंधित प्रमुख परिघटना क्या है। ये पूछा गया है कि इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है, जो वर्षा के साथ में जो वर्षा नहीं होती है और सूखा पड़ता है, इसका संबंध किससे है। तो यहाँ ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवनों का ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होना एक फैक्टर ये है। दूसरा है कि ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवनों का विषुवतीय क्षेत्र की ओर स्थानांतरित होना। तीसरा है कि ग्रीष्म काल में महाद्वीप से पछुआ हवाओं का बहना, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि दक्षिण पछुआ हवाओं का बहना। देखिए यहाँ ये बात है, ग्रीष्म काल में सूखे के लिए जिम्मेदार पवन से संबंधित प्रमुख परिघटना क्या है, और क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो यहाँ की ये जो बात कह रहा है तो इसमें है सीधा सीधा है कि ग्रीष्म काल में जो व्यापारिक पवनों का ध्रुवों की ओर स्थानांतरित होना, ये फैक्टर है, यही फैक्टर काम करता है, और इसी फैक्टर की वजह से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और ग्रीष्म काल में सूखे की स्थिति बन जाती है। कब है? कि ग्रीष्म काल में जो व्यापारिक पवने होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे जैसे ग्रीष्म काल आता है तो ये व्यापारिक पवने ध्रुवों की ओर खिसकती चली जाती हैं, बस इसकी वजह से यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है। ये पूछा गया है कि इसमें ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में ये आपको देखना है कि ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करता है। देखिए ऊंचाई तो करती है, वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करती है, ऊंचाई बढ़ती जाती है और दबाव कम होता जाता है, जल वाष्प की उपस्थिति ये भी दबाव को प्रभावित करती है, तापमान ये भी करता है, अब बचा क्या अपने पास में, वर्षा। तो इसका सही जवाब है क्या, वर्षा जो है वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है। ये जो प्रश्न पूछा गया है, हालांकि सीधा प्रश्न है, ये पूछा कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, यानी कि आप जैसे जैसे ग्लोब बनाते हैं और उसमें ये पेटी बनती है, डोल्ड्रम पेटी, उपोष्ण और निम्न वाय दाब की ध्रुवीय है और ये वाय दाब की। अब इसमें ये पूछा गया है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है। तो ये उत्तर भी होती हैं, दक्षिण भी होती हैं, तो इन्होंने तो यही पूछा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाएं, भूमंडलीय हवाएं कहें इनको देख करके जो ऑप्शन है, सनातनी कहें, ग्रहीय कहें, स्थायी कहें, ये चलती रहती हैं और ये तीनों ही नाम हैं इनके। तो इसमें है पहला है कि पछवा व्यापारिक ध्रुवीय, नहीं ये तो नहीं है,
व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय ये है, बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ जो है ये विषुवत रेखा है और यहाँ चलती हैं व्यापारिक पवने, फिर इधर से इधर चलती हैं पछुआ पवने, और फिर इधर चलती हैं ध्रुवीय पवने। बस ये क्रम है उनका और ये क्रम ये है, ठीक है। व्यापारिक व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम आपका हो गया व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया कि वृष्टि पोषित और वृष्टि छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है। वृष्टि पोषित यानी वृष्टि प्राप्त भी होती है, एक भाग ऐसा रह जाता है कि जहां वर्षा होती भी नहीं है, तो ऐसी छाया क्षेत्र किसकी विशेषता है। चक्रवातीय वर्षा की तो नहीं है, सहनीय वर्षा की भी नहीं होता है, पर्वतकृत वर्षा इसकी विशेषता है। पर्वतकृत जो पर्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है, जिस भाग में होती है वहां तो वर्षा हो जाती है और उसके बाद में उसका दूसरा हिस्सा वृष्टि से वंचित रह जाता है, तो ये पर्वतकृत वर्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आया कि सुमेलित कीजिए, आपको ये सुमेलित करना है, सूची एक और दो को मिलाना है, सही क्या है। इसमें सूची फर्स्ट में दिया है लू, खमसिन, चिनूक, फॉम, स्थानीय हवाएं हैं, ठीक है। अब कहाँ की हैं, राकी, जालपस, राजस्थान और मिस्र। अब राजस्थान को तो आप पहचान गए कि लू कहाँ चलती है राजस्थान में। अब कूट को देखना है आपको कि इसमें से कूट कौन सा सही है जो मिलान किए हुए है अपने आप में। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, देखिए लू तो लू पे राजस्थान, और आपकी जो खमसिन है खमसिन चलती है मिस्र में, ठीक है। अब बच गई आपके पास में चिनूक और फान, चिनूक चलती है राकीज पर्वत, कहाँ राकीज पर्वत पर, और फान चलती है आल्पस पर्वत पर। तो अब इसका आपको इस कूट को देख करके सही क्रम कौन सा है वो आपको व्यवस्थित देखना है। तो इसमें कूट पे देखें ए, तो ए में चाहिए अपने को तीन, बिल्कुल है। बी, बी में चाहिए अपने को मिस्र चार, ठीक है। सी, सी पे देखते हैं एक राकीज पर्वत, ठीक है। और डी पर आपका दो नंबर आलपास, ठीक है। तो आपका ये कूट सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किन दो क्षेत्रों के वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसून वर्षा है। कटिबंधीय मानसून, मानसूनी, ठीक है, कटिबंधीय मानसूनी। तो कटिबंधीय मानसूनी की जैसे आपको जैसे इसमें दे रखा है सह्याद्री गंगा का डेल्टा, कश्मीर घाटी, लद्दाख। देखो ये पर्वतीय क्षेत्र है, फर्क नहीं पड़ता इतना, और कटिबंधीय की बात करोगे तो दोनों ये क्षेत्र मानसूनी वर्षा होती है, यहाँ बिल्कुल होती है, कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसमें एक और दो, तो एक और दो किसमें है, इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन ये सही है। अब इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं आजकल कि अभिकथन, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ए क्या लिखा है कि वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण में वृद्धि होती है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये कथन दिया गया है आपको कि भाई जब वनों का आप विनाश कर दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सांद्रण में वृद्धि होगी। बिल्कुल ठीक बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी। अब इसमें दे रखा कारण, कारण और दिया गया है कि भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वन CO2 का उपयोग करते हैं, यानी कि वनस्पति अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करती है, बिल्कुल करती है। अब इसमें आपको देखना है कि सही क्या है, कूट दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें वनोन्मूलन होगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, केंद्रण बढ़ेगा, और भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान CO2 का उपयोग होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात हो गई, ए और आर दोनों सत्य हैं। अब इसमें लिखा कि आर कौन, कारण, जो स्टेटमेंट है की सही व्याख्या है, ये तो नहीं है,
ये तो नहीं है, दोनों ही बातें अलग अलग हैं और अपने आप में दोनों ही सत्य हैं, ये तो नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, स्टेटमेंट को कोई जवाब नहीं दे रहा है कि भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान वन सीओ टू का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये जो बात है इस स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो क्या करें, नेक्स्ट चलते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल हैं। इसमें लिखा है आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन होगा ये बी सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, बाकी आपको ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, ये आपका जो थर्ड पेपर था उसमें आए हुए हैं 2014 में, कि पूछा गया था कौन सा पृथ्वी का एक स्थान सर्वाधिक गर्म है, कौन सा एक स्थान पृथ्वी का सर्वाधिक गर्म है, वो है अल अजीज, पृथ्वी का, ठीक है, अल अजीज। दूसरा जो प्रश्न आया था कि सुमेलित कीजिए, अब आपको वही बात आई कि सूची एक को सूची दो से मिलान करना है कि कौन सा कूट इसके लिए सही बैठता है, तो अगर आप बात करोगे तो देखो इसमें लिखा है पश्चिमी पवन, और पश्चिमी पवन का जो संबंध है, पश्चिमी पवन का जो संबंध है वो है तूफानी चालीसा से, तूफानी चालीसा, तो तूफानी चालीसा ये रहा, ठीक है, तूफानी चालीसा, पश्चिमी पवन, पछुआ पवने, ठीक, और ये भी दक्षिण में है हालांकि। दूसरा है डोल ड्रम, डोल ड्रम जो पेटी है वो कहाँ है, तो डोल ड्रम पेटी विषुवतीय पेटी है, कौन सी है, विषुवतीय पेटी, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र में या विषुवतीय पेटी डोल ड्रम पेटी कहलाती है, ठीक है, शांत क्षेत्र की। अब है हॉर्स अक्षांश, देखिए हॉर्स अक्षांश आपको स्थान दिया होगा, तो हम इसमें देखते हैं कि भाई ये तो हो गया, ये भी हो गया अपना, यहाँ तूफान चालीसा, चालीसा जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर बहुत तेज पवने चलती हैं पछुआ, तो उससे संबंधित थी ये, तो डोल ड्रम आपको पता ही, विषुवतीय पेटी है। अब है हॉर्स अक्षांश, घोड़े का अक्षांश, अश्व अक्षांश, अब इसमें मानसून, मानसून का जो संबंध है वो तो सीधा मौसमी हवाओं से है, तो इसका हो गया दो, ठीक है। अब बच गया अपने पास में क्या है, ये क्षेत्र हॉर्स अक्षांश, देखो इसको पूछा किस तरीके से है, हॉर्स अक्षांश, हॉर्स अक्षांश से जो आपको आपको पूछा है कि व्यापारिक हवाओं तथा पश्चिमी हवाओं के बीच का जो क्षेत्र है, जो पेटी है, वहां अश्व अक्षांश है, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र अश्व अक्षांश, ठीक है, ये पूछा जाता है। यहाँ व्यापारिक हवाएं चलती हैं और पछुआ या पश्चिमी हवाओं का जो बीच का क्षेत्र है वहाँ है हॉर्स अक्षांश। तो अगर हम ये देखते हैं कि एक के साथ में एक का कूट क्या है, तीन, तो इसमें एक का कूट तीन, ठीक है, बी का कूट है कितना है, चार, तो बी का कूट चार और किसी में नहीं है, सी का हॉर्स अक्षांश जो कि एक है, सी का एक इसी में ही है, तो इसका मतलब ये मानसून वाला भी इसी में है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, बी। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इस प्रश्न को आप बिल्कुल तरीके से बैठ करके देखिए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा है, कहाँ से छोटी सी चीजें इन्होंने उठाई हैं, छोटी सी बातें इन्होंने उठाई हैं और वहीं से इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। तो आप देखिए हॉर्स अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश नहीं दिया आपको, देखो इसको कैसे बनाया गया, व्यापारिक हवाओं तथा पश्चिमी हवाओं के बीच का क्षेत्र हॉर्स अक्षांश। अब आप किस तरीके से उन पर, आप जो पढ़ रहे हैं उन पे विचार करना है आपको, इससे यही अपने को फायदा मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्न क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की तिथियों तक, यानी पहले से लेकर बाद तक दक्षिणी पश्चिम जो मानसून के आगमन के क्रम का पता लगाइए, यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है पहले कहाँ आता है, उसके बाद में कहाँ, और उसके बाद में कहाँ तक पहुँचता है, तो वो यहाँ दिया गया है, केरल है, मुंबई, अंडमान निकोबार है, उड़ीसा, इनको देखना है कि इनमें से पहले कहाँ आता है, तो पहले कहाँ आता है, पहले अंडमान निकोबार में आता है, उसके बाद में कहाँ आता है, तो पहला तो हो गया नंबर एक तीन का, ठीक है, इसके बाद में हो गया आपका केरल, ये हो गया एक नंबर है, ठीक है, तो ये हो गया,
इसके बाद का यानी तीन के बाद का हो गया आपका, पहले हो गया 3 नंबर, तो ये एक हो गया, ये हो गया। इसके बाद में आता है कहाँ आता है, मुंबई में, और इसके बाद में ओडिशा में। तब आपको देखना है कि इसमें देखिए 3 नंबर कहाँ है, पहले भी नंबर पे नहीं है, तो ये रहा 3 नंबर, इसके बाद में 1 नंबर, इसके बाद में 2 नंबर, और इसके बाद में 4 नंबर। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है ये सही होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि 2014 की प्रश्न है, और उसी समय देखो ये प्रश्न पूछ लिया गया था, आज उस जिस समय चक्रवात आए थे, कौन से दो चक्रवातों ने वर्ष 2014 में भारत में असर दिखाया था। तो ऐसे कौन से दो चक्रवात थे कि 2014 में भारत में अपना असर दिखाया था। तो क्या हुदहुद था, फेलिन था, नीलोफर था, या लहर था। तो यहाँ एक तो उस समय आया था हुदहुद, और एक आया था नीलोफर, तो ये था। तो इसका मतलब है ये 1 और 3, बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों से ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और विशेष करके एक तो जो कथन का है, कारण का, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। उसके साथ में सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए, या सूचियों को सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आजकल काफ़ी आते हैं, उनको आप पढ़िए। एक प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं कि निम्न में से नहीं है। अब निम्न में से नहीं वाला जो सिस्टम बनता है, सुमेलित कीजिए। ये जो सिस्टम बनता है, ये सारे तथ्य जब आपके पढ़े हुए होंगे तब जा करके आप उस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। चलिए ठीक है, आपको देखना है, प्रश्नों को देखना है, सोचना है, और आपको पढ़ाई करते समय इन बातों को ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। यही बस हेल्प है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल दोबारा ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।